Hello and welcome to my channel. Myself Dr. Aarti, and today we are going to discuss about the plant that is Ricinus communis. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरंडी की. अरंडी के फायदे तो हम सभी जानते हैं. आपने देखा है कि अरंडी हमारे बहुत सारे डिजीजेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. और अगर डिजीजेस की को साइड में रख के हम अपने ब्यूटी पर्पस की बात करें तो उसके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. अगर हमारी स्किन के लिए हम देखें कि कोई भी थोड़ा भी रूखापन या किसी प्रकार का आप देखते हैं कि जनरली हमें इस सीज़न में कोई अगर ग्लो की समस्या है या फिर कोई भी परेशानी है, तो आप इसके ऑयल को सिंपली थोड़े से नींबू के रस में मिलाकर लगाएं और आप देखेंगे कि आपके स्किन में बहुत ही प्यारा ग्लो आता है. जी हाँ, आपके बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसको अगर आप नारियल के तेल में मिलाकर लगाएंगे तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और आपके बाल बहुत घने होते हैं. तो चलिए देखते हैं इस प्लांट को थोड़ा और करीब से और जानते हैं इसके फायदे. आप इसकी लीव्स को देख रहे हैं. ये इसकी लीव्स होती हैं जिसे हम बहुत सारे डिजीजेस में यूज करते हैं. देखिए, ये हैं इसके सीड्स जिसमें से हमें ऑयल मिलता है. कब्ज के लिए इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है. अगर हमारे पेट में कब्ज है तो हम इसके 10 बूंद ऑयल को लेके एक गिलास दूध में थोड़ा गुनगुना करके उसमें डाल लें और सोने से पहले पिएं, तो हम देखेंगे कि हमारे कब्ज की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक होती है. और यकीन मानिए, ये पेट की कब्ज के लिए रामबाण इलाज है जिसे आप सभी को ज़रूर करना चाहिए और बेफिक्र होकर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है. अगर हम इसके और बेनिफिट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके पत्तों से हम कहीं भी चोट लग जाती है तो हम सिकाई के लिए उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम देखेंगे कि हमारे कोई भी खून जम जाए या चोट लगने से कोई भी दिक्कत हो जाती है, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी करती है. जब भी कोई हवा चलती है या कोई दर्द होता है तो उससे अगर आपके कहीं चोट लगी है तो आप इसके पत्तों को लेके और उसकी सिकाई करें तो आप देखेंगे कि आपकी चोट बहुत जल्दी ठीक होती है. और साथ ही साथ अगर आपके कहीं खून जमा है तो वो खून भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. और अगर आपके कहीं दर्द है या आपके जोड़ों में कोई तकलीफ है तो इसके तेल को लगा कर आप हल्की सी सिकाई करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपको सारी समस्याओं से निजात मिलती है. अगर आपको या बच्चों को सर्दी लग गई है तो आप सिंपली इसके तेल को लगाकर उससे थोड़ा सा रब कर दें तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों को सर्दी की समस्या भी बहुत जल्दी ठीक होती है. हम देखते हैं कि अगर हमारे पेट में कोई भी सूजन या फिर किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है, कई बार हमारा पेट इतना ज़्यादा फूलने लगता है कि उसमें दिक्कत होने लगती है, तो उसकी सूजन हटाने के लिए आपको इसके पत्तों का प्रयोग करना है. आपको क्या करना है कि आपको जिस भी जगह समस्या है अपने पेट पे थोड़ा सा इसका ऑयल यूज़ करके और इसके पत्तों को हल्का हल्का सा तवे पे सेक कर उसे अपने पेट से जहाँ भी आपकी समस्या है वहाँ पर बांध लें और पूरी रात उसे बंधा रहने दें. जब सुबह आप उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी समस्या एकदम से गायब हो जाती है, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है और आपका पेट बहुत ही ज़्यादा मुलायम और सॉफ्ट हो जाएगा. तो आज हमने देखी कि इस अरंडी से आपके पेट की समस्या बहुत ही अच्छे से सॉल्व होती है. और बहुत सारे इसके मेडिसिनल पर्पस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ इसका पेट दर्द के लिए और पेट की समस्याओं के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए. और आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.